News 18, India. और इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी गई है। ममता सरकार के सामने अब ये बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली मामले में रिपोर्ट भी सौंप दी है। आयोग की तरफ से बंगाल के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को नोटिस तक भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर ममता सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी गई है। ममता सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। कल भी हमने पूरे दिन वहां पर हंगामा बरपते हुए देखा। संदेश खाली मामले में जब एक तरफ बीजेपी की जो कमेटी है वो भी वहां पर पहुंच रही थी तो उनकी पुलिस से झड़प हो जाती है, उन्हें रोक दिया जाता है। अब दूसरी तरफ अब आप देखिए, अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश यहां पर रख दी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अनुसूचित जाति आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली मामले में पूरी रिपोर्ट को सौंप दिया है। आयोग की तरफ से बंगाल के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को नोटिस तक अब भेज दिया गया है। मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सुपरिश कर सकता है, क्योंकि बंगाल का हालत अभी इतना खराब है, विशेष रूप से जो शोषित वंचित श्रेणी का लोग होता है इनको सेव करने के लिए सरकार को अलग दृष्टि से देखना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के पीछे की वजह भी बताई है, वो हमने आपको सुनाया। और ये तीन तस्वीरें हैं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है। संदेश खाली के बीच रास्ते से लौटी बीजेपी की 6 सदस्यों वाली कमेटी अस्पताल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मुलाकात करती है। कोलकाता में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से भी मुलाकात की। बीजेपी की 6 सदस्यों वाली कमेटी ने राज्यपाल से राज्य सरकार और कानून व्यवस्था की शिकायत की है। आप ये देखिए कि कल रोका जाता है जो पूरा घटनाक्रम होता है बीजेपी की टीम को, उसके बाद बीजेपी की 6 सदस्यों की टीम जिसका गठन जेपी नड्डा ने किया है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मुलाकात करती है। हम लोग संदेश खाली से आधा अधूरा जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में जो पीड़ा है मैं हम लोगों ने बताया गवर्नर से भी, गवर्नर साहब को भी पीड़ा है उसी विषय को लेके। पूरा देश के सामने संदेश खाली का जो विषय है और विषय को लेके हम जाएंगे और संदेश खाली पक्का हम लोग जाएंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, परमिशन लेंगे और उसके लिए जो जो करना है हम पूरा करेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में जहाँ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जहाँ भी हम जाके उसके लिए हम परमिशन लेंगे, परमिशन लेके हम संदेश इसके बाद आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज क्या दिल्ली वापस हो रहे हैं? आज हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन काल है, आज रात को हम दिल्ली जाए। हम लोग उच्च न्यायालय में अर्जी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहाँ पे जाने की अनुमति दे और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वहाँ के नई बहुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसको हम उजागर भी करना चाहते हैं और उस बेटी बहू को न्याय मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है और अंतिम क्षण तक कानूनी लड़ाई लड़के कानूनी तरीके से ही हम जरूर जाएंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। जो संदेश खाली में तालिबानी शासन चल रहा है वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट हो रहा है, हम ना देख पाए। गवर्नर हाउस में किस लिए आए हैं? गवर्नर हाउस में जाकर बताएंगे क्या हालात है वहाँ कि हम लोगों को नहीं जाने दिया गया और यहाँ जाकर गवर्नर को हम किसके पास जाएं? ममता बनर्जी का तानाशाही तालिबानी राज जो चल रहा है उसको हम राज्यपाल जी को बताएंगे। बंगाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। संदेश खाली के बीच रास्ते से लौटी बीजेपी की 6 सदस्यों वाली कमेटी अस्पताल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंची। इस खबर पर नजर हमारी रहेगी, अपडेट भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। हल्द्वानी हिंसा में अब्दुल मलिक समेत 9 आरोपियों को मोस्ट वॉन्टेड घोषित करते हुए
पोस्टर यहां पर चस्पा करवा दिए गए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ये वही अब्दुल मलिक है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो भी आरोपी है उन्हीं से वसूला जाएगा जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। और अब ये सबसे बड़ी खबर है, एक तरफ 9 आरोपी जिन्हें मोस्ट वांटेड करार देते हुए उनके पोस्टर पूरे शहर में छपवा दिए गए हैं, चस्पा करवा दिए गए हैं, और दूसरी तरफ मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति को भी कुर्क कर दिया गया है। इस मामले में जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी होगी, बाकी जो 9 लोग थे फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए, कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुड़की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूंकि ये लोग सभी वांछित हैं अतः इन लोगों के सभी के पोस्ट चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग दिया जा सके। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड में अशांति फैलाने वालों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और एक नजीर भी पेश करने की कोशिश की है। दुनिया में भारत जो ऊंचाइयां छू रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी समेत भारत की जनता का आभार व्यक्त कर दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण, ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही 2 देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती है, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। पीएम मोदी ने रेवाड़ी के अपने 2013 के दौरे को याद किया और 2024 के लिए भी जनता से जीत का आशीर्वाद देने को कहा। मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है अब की बार अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।